नमस्कार, आप देख रहे हैं द HD न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या भारती। साल 2020 के शुरुआत में ही कोरोना वायरस ने पूरे देश पर अपना पैर पसारना जो है शुरू कर दिया और इसका एक गहरा असर मानव जीवन पर देखने को मिला। अब साल 2021 में जब कोरोना वैक्सीन COVID-19 वैक्सीन बनकर तैयार हो गया है, वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। नेता लोग इस पे अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति नहीं चल रहा है, ये कुछ और है। नेता अपना फायदा देखने के लिए जनता का कोरोना उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तब उन्होंने वोटिंग करवाया, वोटिंग रोका भी जा सकता था लेकिन रुकवाया नहीं उन्होंने, बस यही। अभी देखिए, इस महामारी में राजनीति करना कोई ज़रूरी नहीं है। पहले अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, अपने देश को स्वच्छ रखिए, उसके बाद राजनीति जितना करना है उतना मन भर कीजिए। वो तो बम्बई बड़े आदमी को आया जाते हैं, वो सब बड़े बड़े आदमी के आया है कोरोना, छोटा आदमी का नहीं आया है, आए ही नहीं है। भले वो लोग कोठी में जो रहते हैं वही लोग के आता है, AC में रहते हैं, लंच फन खाते हैं। लगेगा कोरोना, अभी दिल्ली में लगाएगा, अब यही दोनों में अब सरकार क्या नियम लगाता है अब तो सरकार के ऊपर है। बिहार में कोरोना नहीं आया, नहीं अभी नहीं था, ये नहीं है कोरोना यहाँ, वो तो सरकार को नियम था इसीलिए कोरोना में चला, वही लोग फैला देते हैं, यहाँ के अपना कोरोना सरकार का नियम था वो अपना की सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष कोई साइंटिस्ट तो नहीं है, वो विशेषज्ञ तो नहीं है कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं। आप साबित कीजिए, यदि इस तरह का बात तो साबित कीजिए, है ना। बिना साबित किए हुए किसी पे भी आप लांछन लगा दीजिएगा तो ये मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो मे भी किसी को सूट कर सकता है, किसी को उसकी वजह से रिएक्शन भी हो सकता है, तो वो मतलब मैन टू मैन डिफर करता है। थैंक यू। कोरोना पे हो रही राजनीति व्यंग है या कुछ और चल रहा है, क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हेल्प, मुझे हेल्प से मतलब है, हेल्प से मतलब है। और क्या आपके विचार में, क्या वैक्सीन जो आया है COVID-19 का वो कितना सही है, क्या कुछ लगता है? वो तो बाद में पता चलेगा, अभी जो है वही लेना चाहिए, दैट इज द बेस्ट अवेलेबल नाउ इन द मार्केट। इसका तो कोई ये नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं आपके पास, उसको पॉलिटिक्स करने से क्या फ़ायदा है? जो है सामने उसको लीजिए, बाद में पॉलिटिक्स करते रहिए। हेल्थ पहले, आगे पहले है या पॉलिटिक्स पहले? जो कर रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और क्या। थैंक यू। इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अगर वैक्सीन से मतलब पेशेंट अगर ठीक हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो फिर इसमें क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। इस पे तो कोई राजनीतिक नहीं करना चाहिए, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये हर देश इससे प्रभावित है और हमें भी जागरूक होनी चाहिए। सरकार का जो निर्देश है बिल्कुल सही है, और आज से कुछ दिन पहले हम लोग ललचाते थे कि कोरोना वैक्सीन कब आएगा ताकि हम लोग लगा सकें, लेकिन कुछ लोगों के गलत सजेशन के कारण लोग ऐसा भड़क रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, मेरे पक्ष से ये ठीक नहीं है। देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश भी COVID-19 वैक्सीन पे विश्वास कर रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग ही है, कई नेता है, राजनेता है, जो इस वैक्सीन पे अपनी सहमति नहीं जता रहे, तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो विपक्षियों का राजनीति जो भी हो रहा है, हालांकि देश में जो भी है विकास के लिए राजनीति कीजिए, लेकिन ये जो बीमारी जो चला है, जो जानलेवा बीमारी है, इसमें किसी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HD न्यूज़।